को पार्ट बाय अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पे घल जाए। क्या भारत और चीन के बीच में जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन के इश्यूज थे 2020 से, जो फ्रोजन टाइज थे, क्या अब उसमें बर्फ पिघल रही है? वांग यी और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई कल जुलाई में। वांग यी और एस जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई। वांग यी वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वहां के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं। अब इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, चीन सीमा विवाद पर फिक्र में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लद्दाख के चार इलाकों से चीन की सेना पीछे हटी। उच्च स्तरीय वार्ता के बाद चीन से सेना पीछे हटाई, यह बड़ी खबर है। गलवान घाटी समेत चार इलाकों से चीन ने सेना हटाई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग का यह बयान आया है। भारत चीन सीमा पर स्थित नियंत्रण रेखा में है माओ निंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। चीन के विदेश मंत्रालय ने और क्या क्या जानकारी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने की सहमति बनी थी। इसके बाद गलवान घाटी समेत चार इलाकों से सेना पीछे हटने की कोशिशें जो है उसकी तेज हुई है। आपको जानना चाहिए कि कल ही मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने द्विपक्षीय वार्ता की थी और इस मीटिंग में भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी। एक दिन पहले हमने सबसे पहले आपको चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सुनाया था। उन्होंने कल ही जानकारी दे दी थी कि चीन के साथ सीमा से सैनिकों की समस्या 75% तक सुलझ चुकी है और समस्या का समाधान निकालने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। आपको उनका यह बयान आज फिर से सुनना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको इस खबर का थोड़ा सा बैकड्रॉप बता रहा हूं। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर जुड़ चुके हैं। पहला बैकड्रॉप यह है कि वांग यी, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, मतलब बहुत बड़ी अथॉरिटी वो रखते हैं। वांग यी और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई, अब साइडलाइंस में ब्रेक है, ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, वांग यी और एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी जुलाई में। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल की बैठकें हो चुकी हैं इंडिया और चाइना के बीच में। अनुज सर के पास मैं आऊंगा। अनुज सर, बस एक रिएक्शन आपसे मुझे चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है। देखिए, जो हो गया, ग्रेट, ब्रिलियंट, सुपर। मेरा सवाल है, देमचौक और देपसांग, ये है पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यहां से कब डीमिलिटराइजेशन होगा? निशांत, देखिए, देमचौक और देपसांग ये बहुत वाइटल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और मुझे लगता नहीं है कि इस जगह से इतनी आसानी से ना तो हम पीछे हटने वाले हैं और ना ही मुझे लगता है वो इतनी आसानी से पीछे हटेंगे। डीमिलिटराइजेशन उन एरियाज का हो सकता है जहां पर कि 2020 के बाद एडिशनल ट्रूप को इंडक्ट किया गया था। यहाँ देपसांग और गेमचौक में हमेशा से हमारी कॉन्सेंट्रेशन फोर्सेस की हमारी भी रही है और उनकी भी रही है और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कंक्रीट कंक्लूजन कोर कमांडर के लेवल पर या उससे भी नीचे डिविजनल कमांडर के लेवल पर, जो ग्राउंड कमांडर्स हैं उनके लेवल पर होगा। कोई भी पार्टी, मुझे लगता नहीं है कि जो उनको टैक्टिकल एडवांटेजेस हैं जिन लोकेशन से, उनको खाली करने वाली Point है taken, sir. बहुत तेजी के साथ। पॉइंट टेकन। अनुज सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। लेकिन भारत एक तरफ बातचीत कर रहा है और भारत को यह पता है कि चीन पर आप यकीन कभी नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हीं की तर्ज पर हमारा वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट भी। फिक्र में आप इसे भारत की दमदार कूटनीतिक शक्ति कह सकते हैं। वैसे नए भारत की पावरफुल डिप्लोमेसी की झलक रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से युद्ध जारी है। इस युद्ध को कौन खत्म करवा सकता है? क्या वो देश चीन है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को चीन के ऊपर यकीन नहीं। क्या वो देश ब्राजील है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ब्राजील पर यकीन नहीं है। क्या वो देश अमेरिका या पश्चिम की कोई कंट्री है? जवाब है नहीं, क्योंकि रूस को उन पर भरोसा नहीं है। इसका जवाब सिर्फ एक देश है और वो है भारत। आप सोच रहे होंगे कि कैसे संभव है, तो आपको युद्ध में भारत के शांति प्रयासों की टाइमलाइन का वीडियो सबूत दिखाते हैं। इसकी सार्वजनिक तौर पर शुरुआत होती है 14 जून से, जब पीएम मोदी G7 समिट में
विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होने के लिए इटली के दौरे पर थे। यहां तब उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अलग से मुलाकात हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी जुलाई में मॉस्को विजिट पर जाते हैं। 9 जुलाई को वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते हैं। यहां वो फिर से भारत का शांति संदेश दोहराते हैं। पुतिन के सामने बैठकर कहते हैं कि यह समय युद्ध का नहीं। फिर तारीख आती है 23 अगस्त। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी कीव के दौरे पर जाते हैं। ज़ेलेंस्की से दोबारा मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ज़ेलेंस्की से भी कहते हैं कि भारत शांति प्रयासों के लिए हमेशा से तैयार है। इसके बाद 12 सितंबर को क्या हुआ यह तस्वीर भी देखिए। एनएसए डोबाल ब्रिक्स देशों के एनएसए मीट में शामिल होने के लिए मॉस्को जाते हैं, तो क्रेमलिन में बायलाइंस मतलब साइडलाइंस में अलग से प्रेसिडेंट पुतिन से मिलते और उन्हें पीएम मोदी के कीव दौरे के बारे में बताते हैं। पुतिन इस दौरान उनसे क्या कहते हैं, उस मुलाकात की चर्चा दुनिया में कितनी हो रही है, क्यों हो रही है, अब ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जब क्रेमलिन पहुंचे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मिलने के लिए 6 कदम बढ़ाए, मुस्कुराए, गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसके बाद बातचीत के टेबल तक साथ ले गए। इस दौरान एनएसए डोवल ने पुतिन से क्या कहा ये सुनिए। यानी एनएसए अजीत डोवल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया। कीव में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के बारे में पुतिन को अवगत कराया। इस दौरान पुतिन ने एनएसए डोवल से कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे मित्र हैं और पुतिन ने अगले महीने कजान में होने वाली ब्रिक्स वार्ता में पीएम मोदी से अलग से मिलने की इच्छा भी जताई। यानी बीते 3 महीने में ये दूसरी बार होगा जब पीएम मोदी और पुतिन आमने सामने होंगे और जाहिर है दोनों के बीच फिर से युद्ध खत्म करने पर वार्ता भी होगी। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात होगी। सितंबर के आखिर में पीएम मोदी अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन से मिल सकते हैं, यहीं पर वो ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। इन दोनों लीडर्स से होने वाली बातचीत के केंद्र में मुद्दा शांति का ही होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत कैसे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के सेंटर पॉइंट पर आ चुका है। वैसे भी पुतिन ने हाल ही में कहा था कि भारत, चीन और ब्राजील सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जो शांति के प्रयासों में लगे हैं और रूस इन तीनों देशों के प्रयासों का सम्मान करता है। हालांकि 2 दिन पहले जब यही सवाल ज़ेलेंस्की से हुए तो उन्होंने चीन और ब्राजील की भूमिका को सिरे से नकार दिया था और सिर्फ भारत को ही तवज्जो दी थी। और भारत कैसे इस प्रयास में आगे बढ़ता जा रहा है, इसे आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के जर्मनी में दिए गए हालिया बयान से भी समझ सकते हैं। जयशंकर ने बर्लिन में ये भी कहा था कि भारत ने जंग रुकवाने के लिए रूस के सामने 4-पॉइंट फॉर्मूला रखा है। ये 4-पॉइंट फॉर्मूला क्या है, इसे भी देखिए। पहला, ये शांति का समय होना चाहिए। दूसरा, युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलेगा। तीसरा, किसी भी सफल शांति प्रक्रिया के लिए रूस को बातचीत की टेबल पर आना होगा। और चौथा, भारत संघर्ष को हल करने का तरीका खोजने की कोशिश में चिंतित और प्रयासरत है। आपको ध्यान होगा यही बात पीएम मोदी लगातार दोहरा रहे हैं। वो चाहे पुतिन हो या फिर ज़ेलेंस्की, सबसे यही कह रहे हैं कि बम, बंदूक और गोली से समाधान नहीं निकलेगा, शांति बहाली के लिए बातचीत तो करनी ही होगी। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हर उस घर की चिंता है जो महंगाई से परेशान है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने इसके संकेत दे दिए। उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे और विस्तार से इन संकेतों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले वो 5 सवाल जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, देश के करोड़ों परिवारों में हो रही है। पहला सवाल यह है कि क्या पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है? दूसरा सवाल, क्या दिवाली से पहले
पेट्रोल डीजल वाली राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि आज से सिर्फ 48 दिन बाद दिवाली है, इसीलिए सवाल उत्सुकता से भरा हुआ है। तीसरा सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर पेट्रोलियम सेक्रेटरी के संकेत के मायने क्या हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चौथा सवाल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 21% 21% सस्ता हुआ है, तो फिर क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम वाला कांटा कम हो रहा है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आखिर यह सस्ता हुआ क्यों है, वो भी आपको बताएंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की कितनी गुंजाइश है, मतलब वहां पर 21% हुआ है तो यहां पर कितना होना चाहिए, मतलब प्रति लीटर इसकी कीमत कितनी कम हो सकती है। इन सवालों के जवाब आपको जानकारों की राय के साथ देंगे, वो समीकरण भी दिखाएंगे जिससे अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हो सकता है। जब जानकारों से हमने बातचीत की कि क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, हो सकता है, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या चुनाव आने वाले हैं, अच्छा इन चुनावों में शायद हो सकता है, सोचिए ये तो हाल हो गया है। खैर, पहले यह जान लीजिए कि पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में आखिर क्या कहा, क्या है वो जिससे यह संकेत मिल गया। एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहा कि लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बने रहते हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर विचार कर सकती हैं। बस उनका इतना कहते ही पेट्रोल डीजल पर यह चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। हर किसी को इंतजार है कि कब यह राहत मिलेगी। इंतजार होना स्वाभाविक भी है क्योंकि पिछली बार यह राहत आज से 6 महीने पहले मिली थी, मतलब यह कि 6 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले 15 मार्च 2024 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। यहां पर टाइमिंग को समझना भी जरूरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल है कि आखिर इस बात से कितनी राहत मिलेगी और इस बार कितनी राहत मिलेगी। अगर हाईटेक भाषा में बात करें तो क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की रीच कितनी है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। आसान भाषा में कहें तो कितने लोग पेट्रोल और डीजल से सीधे प्रभावित हैं। जब आप ये आंकड़ा जानेंगे तो आप भी इस इंतजार के मूल्य को आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 27 करोड़ दो पहिया वाहन, जो भारी वाहन है उनकी संख्या करीब 58 लाख है और 6 करोड़ प्राइवेट गाड़ियां हैं। अगर मान लें कि औसतन एक नागरिक के पास एक गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से सीधे सीधे 33 करोड़ 40 लाख लोगों को फायदा होगा। सवाल है कि पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी कम होगी और क्यों होनी चाहिए। आपको 3 बजे बताते हैं जिसके बाद यह चर्चा हो रही है कि यह पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का सही टाइम, और पहले भी ऐसा होता रहा। पहली वजह तो यह है कि कच्चा तेल लगातार सस्ता हो रहा है। पिछले 6 महीने में कच्चे तेल के दाम करीब करीब 21% कम हुए। ऐसे में उम्मीद है कि इस कमी का असर भारतीय लोगों की जेब पर भी दिख सकता है। दूसरी वजह यह है कि रिफाइनरी मार्जिन से तेल कंपनियों की कमाई बढ़ी है। वर्ष 2023-24 में तेल कंपनियों ने हर लीटर की रिफाइनिंग पर करीब करीब 6.5 रुपए कमाए। तीसरी वजह, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। आखिरी बार लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे तो उम्मीद है कि इस बार भी पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दी जा सकती है, क्योंकि हमेशा हमारे यहां इसका ताल्लुक इलेक्शन से ही रहता है अमूमन। अब सवाल है कि कितनी राहत मिलेगी, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बातचीत की। उनसे जानिए कि कैसे पेट्रोल डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। दाम जो है ये कंपनियां कम करेंगी। मेरे अपने जो बैक ऑफ द एनवलप जिसको कैलकुलेशन बोलते हैं,
तो मुझे लगता है कि पेट्रोल पे 3 रुपए से लेके 4 रुपए प्रति लीटर दाम कम होना चाहिए और डीजल पे भी लगभग इतना ही 3 रुपए से लेके 4 रुपए प्रति लीटर ये कम होना चाहिए। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं जिसमें आज के ट्रेंडिंग शब्द जो हैं, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है तोता, सीजर और अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। तिहाड़ जेल से वो कुछ देर पहले रिहा भी हो गए हैं। 156 दिन बाद वो जेल से बाहर आए हैं, लिहाजा खूब जश्न मना, ढोल बजे, पटाखे चले। अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने आज ही दिवाली भी मना ली। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के चलते पटाखों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर इसकी गूंज खूब सुनाई दी। खैर, वापस आते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, एक है ईडी और दूसरी है सीबीआई। ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको पहले ही बेल मिल चुकी है, जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के केस में आज राहत मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर की गई टिप्पणी से जांच एजेंसी की छवि को लेकर फिर सवाल उठ गए। सीबीआई के तोते वाली इमेज सालों बाद फिर से ट्रेंड करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और तोते वाली कहानी पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खबर देख लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ को अरविंद केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर फैसला देना था। एक तो यह कि क्या सीबीआई की गिरफ्तारी वैध थी और दूसरा क्या केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चली जिरह और तर्कों के आधार पर जजों ने 3 सवाल तैयार किए। पहला यह कि गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, दूसरा क्या अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए, और तीसरा सवाल क्या चार्जशीट को दाखिल करने से परिस्थितियों में इतना बदलाव आया है कि जमानत की सुनवाई को ट्रायल कोर्ट भेजा जा सके। इन सवालों और बहस के आधार पर 2 सदस्यीय पीठ अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर सहमति हुई, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता पर दोनों जजों की राय थोड़ी अलग रही। जजों ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने के समान। इस हाई प्रोफाइल केस में आज के फैसले पर देश भर की निगाहें थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मुद्दा स्वतंत्रता का है, हमें लगता है कि इस केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं को खारिज किया जाता है। हमारा निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। देश की सबसे बड़ी अदालत से अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी, मतलब वो ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को ना तो वो अपने पास मंगवा सकते हैं ना ही देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जेल से रिहाई के बावजूद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री वाली शक्ति नहीं होगी। सर्वोच्च अदालत ने ईडी मामले में भी उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि वो अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते। जब किसी बहुत जरूरी मामले में ऐसा करना हो तो उन्हें उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी, यानी ईडी वाली शर्तें यहां भी लागू हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी शक्तियां और उनके अधिकार अभी भी कैद हैं। इस मामले में जजों के सामने दूसरा बड़ा सवाल गिरफ्तारी की वैधता को लेकर था। इस पर दोनों जजों के विचारों में सीबीआई की टाइमलाइन को लेकर टिप्पणी में अंतर था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं,
यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। वहीं जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि सीबीआई ने सिर्फ इसीलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया ताकि उन्हें ईडी केस में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलने का मौका नहीं मिले। जस्टिस भुइया ने आगे कहा कि ईडी मामले में रिहाई के समय केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सीबीआई की जल्दबाजी समझ नहीं आ रही, जबकि उसने 22 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को थोड़ी सरल भाषा में समझते हैं। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था, जबकि गिरफ्तारी के लिए 26 जून 2024 को एक्टिव हुई। वहीं ईडी केस में केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिस पर 21 जून को हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई केजरीवाल के गोलमोल जवाबों का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी और लगातार हिरासत में रखे जाने को उचित नहीं ठहरा सकती। सहयोग ना करने का मतलब आत्म दोषारोपण नहीं हो सकता। यहां एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है, दोनों जजों ने गिरफ्तारी को तो वैध ठहराया है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की टाइमलाइन, दबाव में काम करने और निष्पक्ष ना होने को लेकर टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल है, झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव का ऐलान होने वाला है। लेकिन अब वो खबर जो ट्रेंड कर रही है आज इस पूरे केस में, आज की सुनवाई में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब सीबीआई और तोते का जिक्र हुआ। शेक्सपियर के मशहूर प्ले जूलियस सीजर का जिक्र आया। जस्टिस भुइया ने गिरफ्तारी की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए तोता और जूलियस सीजर वाली टिप्पणी की। उन्होंने कहा सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर आजाद होकर काम करने में सक्षम है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह एकदम संदेह से परे होना चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। सीबीआई को लेकर जब पिंजरे में बंद तोते का जिक्र हुआ तो हमारी रिसर्च टीम ने सुप्रीम कोर्ट की पुरानी टिप्पणी का जो है उसकी फाइल निकाली। यह पहली बार नहीं है जब सीबीआई की छवि को लेकर कड़ी टिप्पणी की गई, बल्कि 11 साल पहले ऐसा हो चुका। इससे पहले मई 2013 में कोयला घोटाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जिसके कई मालिक हैं और वो अपने मालिक की बोली बोलती है। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अगस्त 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई का जिक्र करते हुए केंद्र से कहा था कि पिंजरे में बंद तोते को मुक्त कीजिए, इसे चुनाव आयोग और सीएजी की तरह स्वतंत्र वैधानिक संस्था बनाइए। सीबीआई पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सीबीआई जब पिंजरे में बंद तोता नहीं है, लेकिन आज इस एजेंसी को लेकर जब तोते वाला जिक्र हुआ तो भला राजनीति कैसे नहीं होती। दरअसल जब भी सीबीआई को तोता कहा जाता है तो निशाना सरकार पर होता है जिसकी अगुवाई में सीबीआई काम करती है। अब ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, आपके मन में सवाल यह भी उठता होगा कि इस कटाक्ष के लिए तोते का उदाहरण क्यों दिया जाता है। तो इसका कारण है कि तोता चतुर पक्षी है, ताकतवर मालिक को फौरन पहचान कर उसकी जुबान बोलने लगता है। रट्टा मारने में भी तोते का कोई जोड़ नहीं है, इसीलिए सीबीआई रूपी तोते की आलोचना बार बार यह कहकर की जाती है कि सीबीआई मालिक की आवाज में बोल रही है। पिंजरे में बंद तोते की तरह तोते का अनुशासन, मालिक के इशारे पर त्वरित कार्रवाई करना और मालिक की रेंज में रहना ताकि जब चाहे आदेश दिया जा सके और जब चाहे टेटुआ दबाया जा सके। जहां कबूतर शांति और निष्ठा का प्रतीक है तो तोता चाटुकारिता और चंपूपन का प्रतीक है। हालांकि तोते को संदेशवाहक की भूमिका में भी देखा जाता रहा है। हमारे शास्त्रों में तोते को कामदेव का वाहन कहा गया है, उन्हें शुकदेव भी कहा जाता है। शुकदेव महाभारत कालीन मुनि थे, उन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। शायद इसीलिए रिपोर्ट या कथा पढ़कर सुनाना तोते का पुराना कर्तव्य है। वैसे 13वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में तोते जासूस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। रोम के कई शासक अपने सिंहासन के करीब एक सोने का पिंजरा रखते थे जिसमें 3-4 नस्ल के तोते रखे जाते थे, यानी प्राचीन काल से ही राजा राज व्यवस्था के प्राण तोते में बसते हैं। और तोता इस तरह के राजकीय सेटअप में रहा है कि उसका जिक्र सीबीआई जैसी एजेंसी या किसी
सत्ता के इशारों पर चलने वाले व्यक्ति की आलोचना के लिए किया जाता है। इंटरेस्टिंग। ओए, जाके दे खड़ी की। पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है। और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या? बिस्किट। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स। इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। लेकिन अब हम उड़ान भरते हैं और आपको लेकर जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट, कश्मीर। अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स का चुनावी राज्यों वाला चैप्टर खोलने जा रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जीपीएस ट्रैकर वाले उम्मीदवार की। जैसे चुनाव में किसी पार्टी या उम्मीदवार की पहचान उसके झंडे, सिंबल या चेहरे से होती है, इसी तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस उम्मीदवार की पहचान पैर में लगे जीपीएस ट्रैकर या जीपीएस एंकलेट से हो रही है। पहले इस उम्मीदवार से आपका परिचय कराते हैं, इसके बाद इनके जीपीएस ट्रैकर की फाइल खोलते हैं। यह है सिकंदर मलिक, जिन्होंने बांदीपुरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। सिकंदर मलिक प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। अब कश्मीर की बदली फिजा में अलगाववाद की राह छोड़कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बन रहे हैं। सिकंदर मलिक के पैर में लगे जीपीएस ट्रैकर का कनेक्शन इनके ऊपर लगे आरोपों से है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA और UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2023 के दिसंबर महीने में सिकंदर मलिक को जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जमानत पर छूटे आरोपियों की ट्रैकिंग के लिए जीपीएस ट्रैकर या जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल शुरू किया। अमेरिका में यह बहुत पहले से हो रहा है। बांदीपुरा प्रशासन ने भी उसी दौरान जमानत पर बाहर आए सिकंदर मलिक के पैर में भी जीपीएस वाली एंकलेट या कहें कि हाईटेक पायल बांध दी है। सिकंदर मलिक अब चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने जीपीएस ट्रैकर के साथ ही पर्चा भरा और अब इसी के साथ प्रचार के मैदान में। इलेक्शन से पहले तकरीबन दो महीने पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले फिर मुझे बुलाया गया है और दो महीने मैं सब जेल बांडीपोरा में फिर बंद रहा हूं। उसके बाद मुझे जब बुलाया गया कि आपको जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा, उसके तहत आप अपनी सरगर्मी और मूवमेंट कर सकते हैं, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आप जीपीएस ने मुझे लगाया, लेकिन मैं जहां तक महसूस करता हूं मेरी आज़ादी इस जीपीएस में भी सेफ नहीं है। इसके जीपीएस ट्रैकर की अगर बात की जाए तो ये जीपीएस ट्रैकर से कितना वोट ट्रैक कर पाएंगे ये नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल एनआईए की विशेष अदालत की तरफ से दिए गए आदेश के बाद शुरू किया गया है। इसमें पुलिस को आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपी पर जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्देश दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ये प्रयोग करने वाली देश की पहली पुलिस है। वैसे अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे देशों में जमानत या पैरोल पर जाने वाले कैदियों के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं। यहां का मंडी शहर फिक्र के फोकस में है, वही मंडी जहां से कंगना रनौत लोकसभा सांसद है। लेकिन आज मंडी की एक खबर उनसे जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि संजौली की तरह मंडी में भी मस्जिद वाला विवाद ट्रेंड कर रहा है। संजौली से 145 किलोमीटर दूर मंडी में भी मस्जिद वाला कलेश आज दिन भर सुर्खियों में रहा। एक मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर हिंदू मुस्लिम वाली आग यहां भी देखने को मिली। हम आपको मंडी में हुए विरोध प्रदर्शन की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि दो दिन पहले संजौली में प्रदर्शन के समय जो दृश्य देखने को मिला था मस्जिद को लेकर, ठीक वैसे ही हालात आज मंडी में भी दिखाई दिए। मतलब ऑलमोस्ट सेम इमेज है, लोकेशन अलग है, लोग अलग है, लेकिन सिचुएशन वही है। आपको ध्यान होगा संजौली में लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए मस्जिद की ओर आगे बढ़े थे। मंडी में भी आज सुबह जब हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए तो लोगों ने बीच सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। आक्रोश रैली में धार्मिक नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी जब मस्जिद तोड़ने की मांग को लेकर आगे बढ़ने लगे तो वहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धारा 163 के बीच पुलिस ने यहां किस तरह से बैरिकेडिंग की, पूरी तरीके से कर रखी है। लेकिन भीड़ नहीं रुकी, वो आगे बढ़ती रही तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। लोगों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारों से प्रदर्शन को ठंडा करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई। TV9 के कैमरे पर मंडी के हालात रिकॉर्ड होते रहे। मंडी में यह हंगामा पूरे 3 घंटे चला। उसके बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत होने के बाद शांति लौटी।
अब आपको बताते हैं कि यह विवाद मंडी में आखिर किस मस्जिद को लेकर। मंडी में यह मस्जिद जेल रोड पर बनाई गई है। यह 30 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। शुरुआत में यह सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक सीमित थी, लेकिन आरोप है कि इसी साल मार्च के महीने में यहां दो अवैध मंजिलें और जोड़ दी गई। मस्जिद के साथ ही एक बाउंड्री वॉल बनाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का भी आरोप है। मस्जिद के इन्हीं अवैध हिस्सों को लेकर मामला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में पहुंचा। यहां जून 2024 से मस्जिद के अवैध हिस्से को लेकर केस चल रहा है। नगर निगम ने उसी समय आगे के निर्माण को रोकने का नोटिस दे दिया। उस समय जांच की गई थी तो कुछ जमीन पीडब्ल्यूडी की पाई गई थी। यह मामला उसी समय से ज्यादा हाईलाइट और संजौली की तरह यहां भी हिंदू संगठनों का आरोप है कि मस्जिद के कुछ हिस्से न सिर्फ अवैध हैं बल्कि यहां भी बाहरी लोग आकर रहने लगे, जिससे इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखकर हिंदू संगठन लगातार विरोध की आवाजें उठाते रहे हैं। कल प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज यहां भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान नगर निगम आयुक्त H.S. राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी चल रही थी, और वहां से ताजा अपडेट यह है कि कोर्ट ने मंडी में मौजूद इस मस्जिद की दो अवैध मंजिलें अगले 30 दिन में गिराने का आदेश दिया है। पुरानी स्थिति को बहाल करने का ऑर्डर जारी किया हुआ। अब थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं। मंडी में इस मस्जिद की जमीन एक मुस्लिम महिला के नाम पर बताई जा रही है। हालांकि कुछ हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि इस मस्जिद की जगह पर सदियों पहले एक मंदिर हुआ करता। यहां के राजा ने इस स्थान को अपने एक मुस्लिम बुनकर को नमाज अदा करने के लिए दिया था। स्थानीय लोगों की यह भी मांग है कि इस मस्जिद के नीचे खुदाई करवाई जाए और पुरातत्व विभाग यहां मंदिर होने के सबूत की जांच करे। यहां हम स्पष्ट कर दें कि अब तक हिंदू संगठनों के इस दावे का कोई भी पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन अवैध हिस्से को लेकर बवाल कुछ ज्यादा ही है। लिहाजा एक दिन पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद मस्जिद की अवैध बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें भी देख रहे हैं। और संजौली मामले में आला कमान से नाराजगी झेलने के बाद CM सुक्खू ने भी कहा है कि अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं, कानून के दायरे में रहकर आगे की कार्रवाई। मस्जिद धीरे धीरे बनती बनती इतनी बड़ी बन गई, इन्होंने पीडब्ल्यूडी की जमीन भी अधिग्रहण कर ली, तो क्या समय रहते इसको वो रोकना नहीं चाहिए था प्रशासन को? हम बिल्कुल सहमत नहीं है और हम तो ये कहते हैं कि इसको जड़ से उखाड़ा जाए यहाँ पर। और फिक्र की राजनीतिक फाइल का अगला अध्याय कर्नाटक से है, जहां प्रदेश बीजेपी नेताओं और RSS पदाधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई है। बेंगलुरु में हुई यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली है। इसमें प्रदेश बीजेपी के 40 चुनिंदा नेताओं के साथ RSS के पदाधिकारियों ने लंबी बातचीत की। हमारे संवाददाता अमोद राय ने बैठक पर सूत्रों से जो खबर दी है उसके अनुसार बैठक में संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी से संघ के पदाधिकारी नाराज दिखे। उन्होंने नेताओं को भी फटकार लगाई। RSS के निर्देश दिया है कि पार्टी के मुद्दों को लेकर पार्टी के मंच पर चर्चा होनी चाहिए, सार्वजनिक चर्चा से परहेज किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक संघ पदाधिकारियों ने बीजेपी में एक तरफा फैसले लेने का भी विरोध किया और कहा कि फैसले पार्टी नेता सामूहिक तौर पर लें। RSS ने यह भी कहा है कि हर मामले पर दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आलाकमान ही संभाल लेगा, तो आप क्या करेंगे? संघ ने बैठक के दौरान कहा कि बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं हो सकती, हमें हिंदू हिंदुत्व और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ना ही होगा। बैठक में संघ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अमूमन वो बीजेपी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बैठक कर्नाटक बीजेपी में नेताओं के बीच जारी मतभेद और गुटबाजी को दूर करने के मकसद से बुलाई गई थी। बैठक में कुछ नेताओं ने पूर्व CM येदुरप्पा के बेटे और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र की कार्यशैली के खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन अब मेरे लिए अंदेशा है, सिग्नल है